नमस्कार। इस समय हम कैथल के सिविल हॉस्पिटल में हैं और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। जो बच्चे 0 से 5 साल के हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो टीकाकरण से वंचित हैं, उनका पहले सर्वे करवाया गया। अब उन बच्चों को घर घर जाकर जो टीकाकरण अभियान है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो जो सिविल सर्जन है डॉक्टर रेणु चावला, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो टीकाकरण अभियान चलेगा और क्या कुछ इस टीकाकरण का जो बेनिफिट है वो रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक IMI अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हमारे 0 to 5 ईयर्स के जितने बच्चे हैं उनको फुली इम्यूनाइज किया जाएगा और प्रेग्नेंट लेडीज का भी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा हेड काउंट सर्वे हुआ है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। हर फैमिली से जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनको काउंट किया गया है कि जो बच्चे इम्यूनाइज नहीं है अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। और इस तरह से हमारे पास जो टोटल प्रेग्नेंट वीमेन आई हैं वो 515 हैं। 0 to 2 ईयर्स के बच्चे 1897 हैं और 2 to 5 ईयर्स के बच्चे 1103 हैं। इसके लिए हमने 395 सेशन लगाएंगे और ये हमारा प्रोग्राम जो है 3 राउंड्स में होगा। फर्स्ट राउंड हमारा 7th अगस्त to 12th अगस्त, सेकेंड 11th सितंबर to 16th सितंबर एंड थर्ड इज 9th अक्टूबर to 14th अक्टूबर। और इसमें जो नंबर ऑफ सेशन इन हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें स्पेशल किया गया है। जो बच्चे लेफ्ट आउट हो जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी है या स्लम एरियाज हैं, तो सभी बच्चों को इम्यूनाइज किया जाएगा, जिसके हमारे 27 सेशंस हैं। क्योंकि अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा, इसलिए सभी बच्चों को इम्यूनाइज किया जाएगा। जो भी कोविड की वजह से या किसी और कारणों से वो रह गए हैं वो उनको इम्यूनाइज किया जाए। तो इसके लिए हम मीडिया की तरफ से सबको यही हम सिफारिश करते हैं और कि सब कोऑपरेट करें और इन बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं। उससे कई घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हमारे मीजल्स है, रूबाला है, टीबी है, हेपेटाइटिस है और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं वो बच्चे को हो जाती हैं, गलगोटू है। अगर एक भी इंजेक्शन नहीं लगता है तो वो बीमारी आ जाती है। ये डिफरेंट तरह के इंजेक्शन, महिलाओं को तो TD का इंजेक्शन लगता है और बच्चों को जैसे जन्म पे BCG और हेपेटाइटिस है और पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, फिर 1.5 महीने पे हम पेंटावेलेंट देते हैं और हेपेटाइटिस दोबारा, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, ऐसे 9 महीने पे मीजल्स का और MR1 और MR2 आगे चलता है हमारा। तो ये सारा हमारा यूनिवर्सल प्रोग्राम में है। ये सुविधाएं हर, हमने आपको बताया कि हमने जो 395 सेशंस क्रिएट किए हैं पूरे गांव में, सब सेंटर्स में, अलग अलग एरियाज, ताकि लोगों को जाने में परेशानी ना हो। तो थोड़ी दूरी पर ही हम सेशंस लगाएंगे ताकि लोग आराम से जा सकें और इंजेक्शन लगवा सकें। उनका शेड्यूल एज पर प्रोटोकॉल होगा, उनको बता दिया जाएगा कि इंजेक्शन लग सकते हैं। जो इंजेक्शन लाइव वैक्सीन होती हैं और किल्ड वैक्सीन हैं उनको देख के लगाया जाता है। तो कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 7 से 12 अगस्त तक चलेगा पहला राउंड और सेकेंड राउंड इन सेप्टेम्बर एंड थर्ड राउंड इन अक्टूबर। कार्ड बनते हैं और इसकी ऑनलाइन एंट्री भी होगी। प्रेगनेंट वीमेन को 2 ही इंजेक्शन लगते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है उसको लग जाते हैं और कोशिश ये रहती है कि 9 मंथ से पहले पहले लग जाए, क्योंकि इसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो नहीं रहता है। तो यूजुअली 3rd and 4th मंथ में हम लगवा देते हैं, बट एज सून एज प्रेगनेंसी इज डायग्नोज वो इंजेक्शन लग सकता है। जी बिल्कुल लगेगा। अगर हमने जो डाटा निकाला है उसमें ये है कि अगर और बच्चा आ जाता है, अगर हेड काउंट सर्वे में कोई छूट गया है तो उसको भी लगाया जाएगा। जी यूविन पोर्टल शुरू किया गया है जो ऑनलाइन एंट्री होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अदरवाइज जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है, 95% इम्यूनाइजेशन हमारी चल रही है। फिर भी जो बच्चे छूटे हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल कैंपेन किया गया। आग्रह यही है कि लोग अपनी जो इम्यूनाइजेशन है बच्चों की वो समय पर कराएं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है इम्यूनाइजेशन जरूर करवाएं, और अगर कोई बच्चा छूट गया है तो वो इस राउंड में कम्प्लीट हो जाएगा और आगे से जो भी इंजेक्शन है, क्योंकि ये बीमारियों से बचाते हैं तो इनको जरूर लगवाना, बिल्कुल करवा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एंट्री है तो जैसे कोविड में ऑनलाइन एंट्री होती थी तो वो ऑनलाइन एंट्री हो जाएगी और इम्यूनाइजेशन शो होगी।